वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। उत्तर प्रदेश में 6.5 लाख सिख रह रहा है, राजस्थान में 9 लाख सिख रह रहा है, महाराष्ट्र में 2.25 लाख सिख रह रहा है, मध्य प्रदेश में 1.5 लाख से अधिक सिख रह रहा है, हिंदुस्तान के हर एक प्रांत में सिख भारी संख्या में रह रहे हैं और जहां रह रहे हैं वे समृद्ध हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह हिंदुस्तान के 10 वर्ष प्रधानमंत्री रहे जो एक सिख थे, ज्ञानी ज़ैल सिंह राष्ट्रपति रहे जो एक सिख थे, छोटे छोटे और जितने भी पद हैं सब में सिख विराजमान हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चोटी के वकील सरदार राजेंद्र सिंह रहे, स्वर्गीय हैं, परंतु दीवानी में फौजदारी में उनका कोई भी मुकाबला नहीं था। उन्होंने इंदिरा गांधी का, संजय गांधी का, लालू प्रसाद यादव का, संजय दत्त की सबकी पैरवी करी, जिनके चिरंजीव आज भी यहाँ पर बहुत बेहतरीन वकील हैं सुरेंद्र सिंह जी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की बात करें तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जस्टिस गुरपाल सिंह जी सिख हैं, जस्टिस मनिंदर सिंह जी सिख हैं, जस्टिस वरिंदर सिंह जी सिख हैं, और तो और मध्य प्रदेश के अतिरिक्त महाधिवक्ता हरप्रीत सिंह जी सिख हैं। संविधान की अनुच्छेद 25 में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, परंतु इस धार्मिक स्वतंत्रता पर एक अंकुश है। उसमें लिखा है सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए या सार्वजनिक प्रकार की हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों और अनुभागों को खोलने का उपबंध करने की स्वतंत्रता है। ऐसा नहीं कि यहां सिर्फ ब्राह्मण ही आएगा, कोई हिंदू ऐसा नहीं बोल सकता। यह संविधान में लिखा है सभी जातियां, सभी वर्ग, सभी हिंदू टेंपल्स, दे आर ओपन फॉर जनरल पब्लिक, परंतु सिखों को एक खास अधिकार है। लिखा हुआ है कृपाण धारण करना और लेकर चलना सिख धर्म के मानने का अंग समझा जाएगा। सिखों को यह बात मालूम होनी चाहिए कि अगर कोई नॉन सिख, कोई भी हिंदू चाकू छुरी या कोई कृपाण तलवार लेकर चलता है तो उसके अगेंस्ट आर्म्स एक्ट का केस बन जाता है। और सिखों के लिए संविधान में लिखा हुआ है कृपाण धारण करना और लेकर चलना सिख धर्म के मानने का अंग समझा जाएगा। अब सवाल पैदा उठता है कि एक सज्जन है, यंग बॉय, सिर्फ 30 वर्ष उनकी उम्र है, सिर्फ 30 वर्ष, और इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी, मुझे व्यक्तिगत जानकारी कुछ नहीं है, इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार वे मात्र 10वीं पढ़े लिखे हैं। उन्होंने पिछले वर्ष ही अमृत धारण किया, उससे पहले उनके केस भी नहीं थे और दाढ़ी मूछ वगैरह भी नहीं थी, ऐसी इंटरनेट से जानकारी मिल रही है, आई हैव नो पर्सनल नॉलेज। आपका नाम है अमृतपाल सिंह जी, यंग बॉय। अमृतपाल सिंह जी ने एक वारिसे पंजाब दे करके बात करी है, बहुत अच्छी बात है। जो सिखों को अमृत संचार के लिए प्रेरणा देता है युवा, वो बहुत ही अच्छा काम करता है। जो नशों से दूर रहता है, रखता है, वो भी बहुत अच्छा काम करता है। पर एक गलत मेरे छोटे भाई ने, मेरे बच्चे ने, छोटा भाई नहीं, मेरे बच्चों से भी छोटी उम्र है उनकी, एक बात गलत बोल दी, वो मैं बात आपको पढ़ के सुनाता हूं। सिक्स हैव बीन स्लेव्स फॉर 150 ईयर्स, वी हैव डेवलप्ड अ स्लेव मेंटालिटी, फर्स्ट वी वर स्लेव्स ऑफ द ब्रिटिश, नाउ वी आर स्लेव्स टू द हिंदूज, द ओनली वे वी कैन बी टोटली फ्री इज व्हेन वी हैव अ सिख रूल। रॉन्ग, आज हिंदुस्तान में सिख रूल है, किसी भी हिंदू से जाके पूछिए वो सिख की कितनी इज्जत करता है। हिंदुस्तान में हर जगह जहां भी पगड़ी देखते हैं आदमी सत श्री अकाल करता है। बॉलीवुड के सबसे फेमस गाने सिखों के ऊपर बने हुए हैं।
प्लीज डू नॉट फैन रॉन्ग पैशंस, गलत बात कर रहे हो, हम आपसे सहमत नहीं हैं, आप बहुत अभी छोटी उम्र है, प्लीज आप भारत का संविधान पढ़िए, भारत का कानून पढ़िए, अगर किसी एक प्रांत में बाहर के प्रांत वालों को जमीन खरीदने का अधिकार नहीं है तो लड़िए। इसका यह मतलब नहीं कि हिंदुस्तान ही गलत है, हिंदुस्तान में कई सर्विसेज में सिख अपनी सेवाएं दे रहे हैं, फौज में मेरे बच्चे फौज में हैं जो कि फ्रंट में लड़ रहे हैं, सब देश के लिए कुर्बान होने को तैयार हैं। यहां पर कोरोना में सिखों के जितने गुरुद्वारे ऑल ओवर इंडिया, उन्होंने इतनी अंथक सेवा करी है, सिखों ने इतना नाम कमाया है, प्लीज आपको ऐसी बात करके सिखों का नाम बदनाम मत करो बेटा, पहले पढ़ो, पहले भारत का कानून पढ़ो, नहीं तो मेरे जैसे किसी बुजुर्ग से सीख लो कि कानून क्या है, फिर सरकार से लड़ो, हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, वेरी गुड। देश को अलग कोई प्रांत बना, अलग कोई देश बनाने की बात करके बुजुर्गों की इतनी मेहनत का मट्टी पलीत मत करो।